ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा के खाते में 8 सीटें गई हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। चांदनी चौक सीट से आपके प्रहलाद साहनी ने 29,544 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि अलका लांबा ने पिछली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने इस बार पार्टी से बगावत करके कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार जीत हासिल करने वाले प्रहलाद सिंह साहनी चांदनी चौक से 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे सुमन कुमार गुप्ता को यहां से उतारा था। अलका लांबा को मात्र 3,876 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहीं। बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 21,260 वोट हासिल हुए। पिछली बार कांग्रेस इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी और अलका लांबा ने साहनी को हराया था। बीजेपी 2015 चुनाव में इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। चांदनी चौक हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी पिछली दो बार से चांदनी चौक में अपना झंडा फहराने में कामयाब रही। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए खुशबू शर्मा की रिपोर्ट।